चंदौली में पुलिस की एक अनोखी और सुंदर तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर अपने वर्दी के साथ सिर पर पगड़ी बांधे नजर आया। दरअसल शकलडीहा के सीओ अनिरुद्ध सिंह ने एक आर्थिक रूप से अशक्त युवती को अपनी बहन बनाकर उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी उठाई। वहीं उसके सभी अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी उस शादी समारोह में शरीक हुए। खैर, इस शादी समारोह की सबसे खास बात यह रही कि सीओ अनिरुद्ध सिंह ने न केवल धूमधाम से शादी करवाई, बल्कि एक बड़े भाई की तरह सारी जिम्मेदारियों को निभाया, सारे रस्मों को निभाया और खुद उपस्थित होकर के सारे रस्मों में शरीक भी हुए। और यह वीडियो काफ़ी तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंदौली के शकलडीहा सीओ अनुज सिंह का यह कार्य खाकी वर्दी का सम्मान सबकी नज़रों में अब बढ़ा दिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि पिछले दिनों चंदौली के धानापुर के आवाजापुर निवासी शिखा यादव की शादी तय हुई थी, लेकिन दहेज की अधिक मांग के चलते उसका रिश्ता टूट गया, जिसके चलते पूरा परिवार सदमे में आ गया था। इसी बीच समाजसेवी दुर्गेश सिंह ने सीओ शकलडीहा अनिरुद्ध सिंह से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सीओ ने शिखा यादव की शादी की सारी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। और जब शादी का दिन आया तो जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ सीओ अनिरुद्ध सिंह ने एक बड़े भाई के शरीके शादी के सभी रस्मों में शरीक हुए और सारी रस्मों को खुद उपस्थित करके निभाया। चाहे वो हल्दी की रस्म हो, चाहे जयमाला की रस्म हो या बहन की विदाई का, सारी रस्मों में सीओ शकलडीहा अनिरुद्ध सिंह उपस्थित रहे। इसके साथ साथ पूरा पुलिस अमला भी रहा। किस प्रकार से शादी हो रही है, कौन है, पूरी बात बताएं। देखिए, एक जरूरतमंद पिता थे, आर्थिक तंगी है, उनको परेशान थे थोड़ा, और हमारे मित्र हैं समाज सेवी दुर्गेश भाई, ये भिक्षाटन करते रहते हैं, बच्चियों को पढ़ाई में मांग के लोगों से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो दुर्गेश के थ्रू ही मुझे वो परिवार मिला था। मेरी भी इच्छा थी कि वो ज़रूरतमंद है, मैं शादी करूँ, मेरी भी बच्ची नहीं है। और बहुत अच्छा लड़का मिला सौरभ, क्योंकि हम सोसाइटी में कम से कम एक मैसेज तो दे रहा है कि आप बगैर दहेज के आप शादी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, समाज का ये होना चाहिए। सीओ साहब, आपके बहुत से जो सर्किल के थाना अध्यक्ष हैं और आप स्वयं हैं डिप्टी सीओ का, आप जो है रिसीव कर रहे हैं बारातियों को, तो क्या मन में भाव आया, क्यों, कैसे लग रहा है? जब वो मेरी बहन है तो मैं बहन की बारात की अगुवाई तो करूँगा ना, ये मेरा धर्म है। और इस आयोजन के लिए भी आपके पत्रकार मित्र भी और हमारे ये सब साथी हम लोग और हमारे बचपन के दोस्त सब मिल के कंट्रीब्यूट किए हैं। तो एक ये अच्छा भव्य आयोजन हो गया है और वो मेरी बहन है। अब क्या स्थिति थी बहन की, कुछ घटनाक्रम हुआ था? बहुत सामान परिवार के हैं और जैसे होती ना दैनिक मजबूत मजदूरी, वैसा ही उनका काम है। तो उतनी शादी करने की उनकी माली हालत नहीं थी, तो कहीं से हमारे पास दुर्गेश थ्रू हमें पता चला, तो हमने कहा कि नहीं, ये शादी मैं करूँगा। अमूमन शादी सिविल कोर्ट में होती है, जनरल कोर्ट में होती है, आज वर्दी में आप लोग शादी करें कैसे? देखिए, ये पुलिस परिवार कर रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए ना, ये पुलिस परिवार है, कैप की जगह पगड़ी है, ठीक। तो हमारा वर्दी भी है और ये पगड़ी भी है। तो हमारा जो कहते हैं ना, जैसे पुलिस और पब्लिक का कहीं ना कहीं रिलेशन दूर होता जाता है, हमारा दिखेगा ना कि हमारा पुलिस पब्लिक का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? मैसेज यही है समाज को कि ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए जिस तरीके से सौरभ हैं, और हमारे भी उनको आगे आना चाहिए कि पुलिस और पब्लिक का एक बहुत अच्छा रिलेशन रहे। दुर्गेश जी, ये बताइए कि ये बच्ची कैसे आपके संपर्क में आई और किस तरह से शादी आपने कराई और पुलिस की क्या भूमिका रही, क्या कहना है? शिखा यादव के पिताजी हमारे पड़ोसी हैं और मैं जनपद चंदौली में गरीब बच्चों के लिए भिक्षाटन अभियान चलाता हूँ, उनकी शिक्षा के लिए। तो मैं अपने भिक्षाटन अभियान के तहत शकलडीहा सीओ साहब के पास गया था भिक्षाटन मांगने, तो इन्होंने हमारे मदद किया हमारा। और भिक्षाटन अभियान के तहत बातचीत के दौरान हमने सर से कहा कि हमारी एक पड़ोसी
आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इनकी चार बेटियां हैं और इनकी शादी आप करा दीजिए। तो सीओ साहब ने कहा कि आप इनके परिवार से संपर्क करिए और हमारे ऑफिस में लेकर आइए, और हमने सीखा के परिवार को सीओ साहब के ऑफिस में लेकर गए और उनसे बातचीत की है, फिर आगे की पूरी तैयारी सीओ साहब ने किया। पूरा खर्चा पुलिस ने उठाया सीखा के? जी जी जी, पूरा खर्चा किसने निभाया है? सकल डीहा सीओ अनिरुद्ध सर, इन लोगों ने पूरा खर्चा जी किया। जी, आज शादी हो रही, कैसा लग रहा है? मैं तो पौछ, पौछ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। ये बताइए कि अरविंद जी, आप शादी में आए हैं, अनोखी शादी है, पुलिस ने शादी कराई है, तो कैसा लग रहा है आपको शादी में शामिल होकर के, और पुलिस के इस कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का यह कदम सराहनीय है और ये इस कदम से देश में निवास करने वाले सभी लोगों को सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ कर के ऐसे गरीब बच्चों का शादी या मंगनी रस्म पूरी करानी चाहिए। और आज जो यहाँ मैंने देखा, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक पुलिस परिवार ने एक सच में भाई और बहन का जो एक संबंध और फर्ज होता है उसको उन्होंने चढ़ बढ़ करके निभाया, और यह शादी बहुत ऐतिहासिक शादी हो रही है और ऐसा होना चाहिए भविष्य में, लोगों को दहेज लोभियों को दिखाने के लिए मतलब ये सब चीज़ें होना चाहिए। पुलिस का एक अलग रूप देखा है आपने, तो क्या कहना है उसके बारे में? अब पुलिस, चूंकि पुलिस अपनी वर्दी में थी, उनकी नौकरी भी है और दूसरी तरफ भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता भी है, तो उनको दोनों निभाना था, एक भाई बहन का रिश्ता भी निभाना था और अपनी नौकरी को भी निभाना था, वो दोनों को निभाते हुए उन्होंने इस रस्म को चढ़ बढ़ करके पूरा कराया। अच्छा, एक सवाल और है कि ये